हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ श्वेता और आप सबका स्वागत है मेरी श्वेता क्रिएशंस पे। आप लोगों ने तो मुझे बहुत मिस किया होगा ना, क्योंकि मैं बहुत दिनों से आपसे मिलने नहीं आई। क्या करूँ, घर पे थोड़ी मतलब मैं बिजी थी थोड़ा, इसीलिए मुझे टाइम नहीं निकाल पा रही थी। बहुत दो चार दिनों से सोच रही हूँ तो कैसे मैं कैसे अपने सारे YouTube के दोस्तों से मिलूं, जल्दी जल्दी से कुछ बनाऊं और उनसे मिलने जाऊं, तो आज टाइम निकाल पाई हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज मैं अपने वीडियो में आपको ये दिखाने वाली हूं कि हेयर बन कैसे बनाते हैं। समर के सीज़न में हमें बहुत गर्मी लगती है, एक भी बाल अगर हमारे पीठ में गिरता है ना तो हमें इतना चिड़चिड़ा महसूस होता है कि मैं बता नहीं सकती। मतलब मुझे तो ऐसा फील होता है, मैं सोचती हूँ सारे औरतों को ऐसा ही लगता होगा जब किचन में या कोई बाहर धूप में जा रहे हो, वो क्या पसीने पे जब बाल लगता है ना तो कैसे चिड़चिड़ा सा लगता है। तो इसीलिए मैंने आज उसका एक तरीका निकाला है। सिर्फ 2 मिनट में आपका सुपर स्टाइलिश बन तैयार हो जाएगा। चलिए देखते हैं बनाए हैं अपने बाल। ये देखिए कैसे मैंने सारे बालों को इकट्ठा करके कैसे बन बनाया है, और यहाँ के सामने की तरफ से भी कैसे हमारे बेबी बाल सारे वो सभी जब फेस पे आते हैं पसीने से चिपकते चिपकते हैं ना, तो बहुत ही मतलब गर्मियों के दिनों में बहुत ही चिड़चिड़ा लगता है। इसलिए मैंने वो सबको भी लेके यहाँ पिन अप कर लिया है। और इसे देखिए कितना स्टाइल भी लग रहा है। आप कहीं बाहर भी जाते हैं ना तो कोई भी मतलब और नहीं दिखाई देता। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। तो देखिए मैं कैसे बनाती हूँ। मैंने अपने बाल सुबह धोए थे तो बस कंडीशनर कर दिया था। मैं ज़्यादा कुछ बालों पर यूज़ नहीं करती। वो हम क्या करेंगे ना, पहले जो हमारे ये सामने के जो बाल ये छोटे छोटे वहाँ पे यहाँ साइड से छोटे से बहुत ही पतले से पोर्शन में लेंगे, और यहाँ से भी पूरे फ्रंट के तरफ से सारे बाल ले लेंगे। देखा, अब इसे हम कम कम कर दें। हाँ बस देखिए, अब देखिए मैं इसे कैसे पीछे पिनअप करती हूँ। यहाँ एक छोटा सा क्लचर लेके यहाँ से लेके यहाँ तक, देखिए देखा कितनी अच्छे से हो गया। बस अब हम इसे थोड़ा सा काम कर लेंगे। मैं जो ये बनाऊंगी ना, ये एक ये आता है ऐसा वाला, आपको किसी भी मतलब स्टेशनरी शॉप पे या कहीं पे भी ये ऐसे मिल जाएंगे, कहीं पे भी मिल जाएंगे। आप इसे ऐसे ऐसे निकाल इसे जस्ट ऐसे ओपन करना है। वो ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है, टूटता नहीं है। बस 10 रुपीज़ या 20 रुपीज़ के आसपास ये आता है। इसे आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन से लेंगे तो आपको 100 या 150 ऐसे चार्जेस लगा देंगे, पर सारे क्वालिटी सेम ही होते हैं। तो चलिए दिखाती हूँ मैं। ये मैंने सब कॉम मतलब अच्छे से कॉम कर लिया था। अभी देखते हैं इसे ऐसे अंदर से हम निकालेंगे। अपने बालों के लेंथ के हिसाब से हम इसे लेंगे, फिर इसे ऐसे 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 राउंड करेंगे। अब हो गया, बस इसे मैंने यहाँ पे पिनअप कर दिया। देखा कितनी आसानी से हो गया। देखिए मेरे सारे बाल अंदर इसके अंदर रह गए, और यहाँ पे फ्रंट की तरफ से बेबी बाल भी नहीं दिखाई दे रहे। देखिए कुछ और भी नहीं लग रहा है। अगर हम कहीं पे बाल खुले छोड़ के अगर बाहर घूमने जाते हैं, गर्मी हो जाते हैं, तो ऐसा हम एक पर्स में रख देंगे, बस उसे थोड़ा राउंड राउंड करके हुक कर दिया तो हो गया बस। या फिर अगर आपको कहीं बाहर जाना है, धूप बाहर निकल के जाएंगे, हवा में बाल उड़ के ख़राब हो जाते हैं, तो आप ऐसे करके भी जा सकते हैं। और जाके बस वहाँ ऊपर आपको कुछ भी हेयर स्टाइल बनाइए, नीचे वाला बस खोल देना है। एक छोटा सा एक पर्स में छोटा सा कॉम रखिएगा सीक्रेटली, बस बाथरूम में जाइए ओपन कर दीजिए, जस्ट कॉम कर दिया, हो गया। आप मतलब ये एक बहुत ही आसान तरीका है। हम घरेलू औरतें जो होती हैं ना, हमें इतना हेयर स्टाइल करने के लिए कुछ टाइम नहीं मिलता। हम ऐसे बना देंगे, कुछ जोड़ा लगा देंगे, मतलब बैंग
चूड़ियों की दुकान में मिलता है ना वो कुछ भी फूल वगैरह ऐसे कवर करने वाला राउंड, कभी मैं उस पर भी कभी आपको वीडियो बना के दिखाऊंगी। तो ये मेरा सिंपल एंड शॉर्ट 2 मिनट हेयर स्टाइल आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। बाय।